त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नजदीक जिला त्र्यंबक गांव में है। यहां के नजदीक ब्रह्मागिरी नामक एक पर्वत में गोदावरी नदी का उद्गम है और बिल्कुल ही पास में त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है और गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर के नाम से विराजमान हुए हैं। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में तीन छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इन्हीं तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं और शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख में निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं और ये हिंदू धर्म और देवता शिव को समर्पित है। यही इस ज्योतिषलिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अन्य सभी ज्योतिषलिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। और इस मंदिर में शिव विराजमान कैसे हुए, इसके लिए हमें ईसा पूर्व में पीछे जाना पड़ेगा। कहा जाता है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोबल में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियों के किसी बात को लेकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या ने नाराज हो गई थे। ऐसे में महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। ब्राह्मणों के तपस्या से संपन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वह मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोबल से बाहर निकालने के लिए कहा और भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को ऐसा ना करने के लिए समझाया, लेकिन वो नहीं माने और आखिर में भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी। विवश होकर भगवान गणेश ने एक दुर्लभ गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में फसल खाने लगे। ये देखकर महर्षि गौतम ने जैसे ही गाय को भगाने के लिए उसे तिनकों से तीरे से मारा, गाय वहीं मर गई। ये देखकर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम पर गौहत्या का आरोप लगाया और ये देखकर वहां से उनको जाने के लिए कह दिया और इस पर महर्षि गौतम ने उनसे प्रायश्चित करने के लिए उपाय पूछा और ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम उनसे कहा कि तुम तीन बार पृथ्वी पर परिक्रमा करके एक महीने तक व्रत और ब्राह्मणगिरी की 100 परिक्रमा करो और तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी और यदि ये ना कर सके तो गंगा जी को यहाँ लेकर आओ और उनके जल से स्नान करके 100 करोड़ प्राथिक शिवलिंग की पूजा करो। इसके बाद वापस गंगा में स्नान करके फिर 100 घड़ों को पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराओ। ब्राह्मणों के बताए अनुसार महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की। महर्षि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए गए छल के बारे में बताया। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं, आप इन्हें माफ कर दें और हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं। के बाद भगवान शिव वहीं गौतमी तट पर गुमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही नहीं कि इसके अलावा महर्षि गौतम द्वारा लाई गई माता गंगा भी पास में ही गोदावरी नदी से प्रवाहित होने लगी। तीन नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह से त्र्यंबक को तीन नेत्रों वाले कहा जाने लगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की वह इमारत देख कर विश्वास नहीं होता कि ईसा पूर्व में भी इसी तरह के कारीगर होते थे। अपने आप में अद्भुत एक कला का प्रमाण दिखाया है। मंदिर के अंदर जाने पर शिवलिंग केवल आधा ही दिखाई देता है, लिंग नहीं। गौर से देखने पर आधा लिंग के अंदर 1 इंच के तीन तीन दिखाई देते हैं। इन तीनों को त्रिदेव और विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है और भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अध्याय पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है।